नमस्कार दोस्तों, वर्धमान जेटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आज मैं लेके आऊँ 30 kVA टाटा 400 टर्बो जनरेटर का फुल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है। अभी इंजन का फुल फिटिंग करने के बाद 100% लोड डाल के दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो वीडियो का अंत जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देख सकते दोस्तों, पूरे इंजन का धुलाई का काम चालू है। पूरा इंजन खोलने के बाद पूरा अच्छी तरीके से डीजल से धोया जा रहा है, उसके बाद पानी की ब्रश से धोने के बाद फिटिंग का काम चालू किया जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं आप। और ये इंजन में दोस्तों ब्लॉक के अंदर क्रैंक फिट हो चुकी है, पूरा धुलाई का काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये क्रैंक फिट कर दी गई है। सारे बुश वगैरह देख सकते हैं 100% नए लगाए जा रहे हैं। पूरे मेन बेयरिंग सीआर बेयरिंग सब नए लगाए जाते हैं दोस्तों। चारों स्लीवें चारों पिस्टन सब नए लगा के बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में इंजन ये रेडी होने वाला है दोस्तों। बहुत ही धमाकेदार जनरेटर दोस्तों, 100% लोड पे 3 से 4 लीटर डीजल खाता है। ये विजय इलेक्ट्रिकल वाले भाई हैं जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, सूरजपुर से, जिन्होंने हमसे परचेज किया डीजे टेंट लाइट के काम के लिए दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन इंजन है। लगभग 80% काम हो चुका है, पूरा इंजन ये फिट हो चुका है दोस्तों। पूरा एक नंबर का काम हो चुका है इंजन का, देख सकते हैं चारों स्लीवें चारों पिस्टन सब नए डाल के पूरा इंजन लगभग कंप्लीट हो गया है। अब पूरा जनरेटर रेडी करके सर दोस्तों लोड डाल के दिखाते हैं आपको। और ये पूरा जनरेटर शोरूम कंडीशन में रेडी हो चुका है दोस्तों। उसमें ब्रांड न्यू फुल कॉपर बाइंडिंग का एवियर वाला ऑल्टरनेटर लगा है, 30 kVA सिंगल फेज का, और टाटा 460 टर्बो इंजन लगा हुआ है दोस्तों। हैवी ड्यूटीज में हम लोगों ने रेडिएटर लगाया बैंको जाली का, देख सकते हैं। ये टर्बो इंजन है दोस्तों, 100% लोड लेता है। मार्केट में लोग टाटा 407 को 30 kVA 32 kVA बना के बेचे जा रहे हैं, जो कि 25 kVA का भी पूरा लोड नहीं ले पाता है। असली 30 kVA का जो जनरेटर बनता है वो टाटा 400 टर्बो इंजन में बनता है, देख सकते हैं। फुल कॉपर बाइंडिंग का एवियर वाला ब्रांड न्यू ऑल्टरनेटर लगा है, पूरा इंजन ये शोरूम कंडीशन में रेडी हो गया। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आपको लोड डाल के दिखाते हैं। हाफ सेल्फ में जनरेटर ये स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं मिली थी आपको, किसी टाइप का कोई धुआं नहीं है, देख सकते हैं। बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार जनरेटर है दोस्तों। डीजे लाइट पर्पस के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इसकी आपको डीसी भी चेक कराए थे दोस्तों, देख सकते हैं आप 231 वोल्टेज है दोस्तों, और डीसी भी आपको दिखाया था कितनी डीसी आ रही है बगैर लोड के। डीसी भी देख सकते हैं दोस्तों, 8-9 के आसपास इसकी डीसी आ रही है। अभी आपको 100% हम लोग हीटर का लोड डालेंगे, साथ साथ फ्रिक्वेंसी भी दिखाएंगे। 551 फ्रिक्वेंसी है, 231 वोल्टेज है, देख सकते हैं आप। पैनल पे चलते हैं, आपको 100% लोड डाल के दिखाते हैं दोस्तों, साथ के साथ फ्रिक्वेंसी भी दिखाने वाला। मार्केट में लोग लोड जरूर डाल के दिखाएंगे लेकिन फ्रिक्वेंसी कोई भी नहीं दिखाता दोस्तों, देख सकते हैं। सारे पैरामीटर आपको आराम से दिख जाएंगे इसके अंदर। ब्रांड नहीं हम लोगों ने पैनल बनवा लिया अपना लोड डालने के लिए दोस्तों, देख सकते हैं लोड डालना चालू हो चुका है दोस्तों। बहुत ही धमाकेदार जनरेटर दोस्तों, लोड लेने में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। हर जगह इसका इजीली स्पेयर पार्ट मिल जाता है, मैकेनिक मिल जाता है, कहीं भी आप इसका इंजन का काम करा सकते हैं। टाटा 407 इंजन बहुत ही बेहतरीन इंजन होता है दोस्तों, लोड लेने में भी एक नंबर है दोस्तों। बहुत से लोग मार्केट में है जो हमारी कॉपी कर रहे हैं, हमारी नकल कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों नकल के लिए बकल चाहिए। एक नंबर का हम लोग काम करते हैं, जब भी ये परफॉर्मेंस आती है देख सकते हैं। बिल्कुल भी इंजन नहीं दब रहा दोस्तों, करीब 73-74 एम्पीयर लोड स्टेम जनरेटर पर चल रहा है, 76 एम्पीयर, और शेर की तरह इंजन दौड़ रहा है। पूरा एक नंबर का हम लोगों ने इंजन का काम कर दिया, देख सकते हैं आप। क्वालिटी आपके सामने है दोस्तों, मार्केट में लोग जो टाटा का 30 kVA का जनरेटर बेचते हैं 50-60 एम्पीयर से ऊपर लोड लेता ही नहीं है, और एक हमारा जनरेटर दोस्तों देख सकते हैं आप, लोड लेने में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। एक नंबर काम हो चुका है जनरेटर का, 88-90 एम्पीयर लोड आ चुका है जनरेटर पे, और बिल्कुल शेर की तरह इंजन दौड़ रहा है। इसे कहते हैं क्वालिटी, इसे कहते हैं काम। 95-96 एम्पीयर लोड चल रहा है और बिल्कुल भी इंजन नहीं दब रहा है, इसे कहते हैं दोस्तों क्वालिटी। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, लाइक जरूर करें। देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट इंजन चल रहा है, कोई धुआं नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। 95 एम्पीयर हीटर का लोड चल रहा है इस जनरेटर पे, और क्वालिटी आपके सामने दोस्तों देख सकते हैं। इसे रख दो और नए जनरेटर को रख दो, आपको फर्क पता ही नहीं चलेगा दोस्तों, ना दिखने में, ना चलने में, ना क्वालिटी में। बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में जनरेटर ये बन चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आप। फ्रिक्वेंसी भी देख सकते हैं 49.6 मेंटेन है, 235 वोल्टेज है। लोड पे वोल्टेज बढ़े हैं दोस्तों, घटे नहीं है। ये खासियत है इस अल्टरनेटर की, जब डीजे का बेस आता है तो वोल्टेज बढ़ जाते हैं, घटते नहीं है दोस्तों। इसीलिए डीजे के लिए बहुत ही बेहतरीन जनरेटर होता है हमारा, देख सकते हैं। बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है। हम लोड हटाएंगे दोस्तों, लोड हटा के इसे बंद कर देंगे। अब जनरेटर बंद हो चुका है, अभी पेंट के लिए बिल्कुल तैयार है दोस्तों। अब अच्छी तरह पेंट करके बिल्कुल शोरूम कंडीशन में MCB पैनल के साथ में इसे रेडी करेंगे। और ये पूरा जनरेटर रेडी हो चुका है दोस्तों, उसका प्राइस जानने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9899707888 और 9810325300 नंबर पर। कॉल करने का समय सुबह 11 शाम को 6 बजे तक। ऑल ओवर इंडिया हमारी डिलीवरी होती है दोस्तों, संडे हमारा अवकाश होता है, देख सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन का नए की तरह जनरेटर ये रेडी हो चुका है, और नया ही है दोस्तों। केवल इंजन का ढांचा ही पुराना होता है, बाकी सारा सामान नया लगता है। रेडिएटर नया है, लाइनर पिस्टन नया है, ऑल्टरनेटर सब नया है। ये हैवी ड्यूटी बैंको जाली का हम लोगों ने रेडिएटर लगाया है, हैवी ड्यूटी से बहुत पानी आता है दोस्तों। लोग 40 kVA में लगाते हैं इसको, कूलेंट भी हम लोग डाल के देते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप।
प्रॉपर हम लोगों ने इसकी सपोर्ट बनाई रेडिएटर की, ताकि बिल्कुल भी वाइब्रेशन ना हो, गाड़ी में चढ़ाने उतारने में दिक्कत ना है। सारी आपको फेनर की जेन्युइन बेल्ट मिलेंगी, ईपीडीएम के ब्रांड न्यू हॉर्स पाइप मिलेंगे सारे। ये चार सिलेंडर इंजन है, टाटा 407 टर्बो इंजन दोस्तों, जो पूरा लोड लेता है, बहुत ही बेहतरीन इंजन है। पूरा इंजन का एक नंबर का काम किया हम लोगों ने, सारा सामान 100% नया डाला। जब ये परफॉर्मेंस आती है दोस्तों, देख सकते हैं इसका टर्बो है, जिससे इसके बीएचपी बढ़ जाते हैं और ये पूरा लोड लेता है ब्रांड न्यू। उसमें एयर फिल्टर लगा हुआ है ड्राई टाइप का दोस्तों। सारे हाइड्रोलिक के आपको डीजल के पाइप मिलेंगे, डबल जाली वाले, 6 पहिए का हैवी ड्यूटी हम लोगों ने बेस लगाया, ब्रांड न्यू फुल कॉपर वाइंडिंग का एवीआर वाला ऑल्टेट लगा 30 केवी का। ये देख सकते हैं इसमें एवीआर कार्ड लगा हुआ है अंदर ही, बिल्कुल भी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगी। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा इसके वोल्टेज बढ़ेंगे दोस्तों, घटेंगे नहीं, इसलिए डीजल लाइट के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है ये। ये इसका एमसीबी पैनल है दोस्तों, जिसके अंदर लोड ऑन और डीजी ऑन की लाइट लगी हुई है दोनों। ये वीएफ लगा हुआ है, जो वोल्टेज, एम्पियर, फ्रीक्वेंसी, घंटे, आरपीएम, पांच चीज़ें बताता है दोस्तों। बहुत ही शानदार यूनिट है दोस्तों ये। ये इसमें टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है, जो टेम्परेचर बताएगा। इसमें एम्पियर मीटर लगा हुआ है, जो बैटरी चार्जिंग बताएगा। ये डीसी इंडिकेटर है, स्टार्टिंग की है दोस्तों, जिससे जनरेटर स्टार्ट होगा। देख सकते हैं सारे मीटर हमारी ब्रांडिंग में मिलेगी आपको, वर्धमान की मीटर भी हमारे अपने बनते हैं दोस्तों। और इसमें एमसीबी लिखी हुई है, जो लोड ऑन ऑफ करेगी। ये एमसीबी पैनल है, जो कस्टमर की डिमांड पर हमने लगाया दोस्तों। और ये इसका स्टॉपर है दोस्तों, जिससे खींच के जनरेटर बंद हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार जनरेटर रेडी हो चुका है दोस्तों, क्वालिटी में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज मिलेगा नहीं। अभी मैं आपको स्टार्ट करके लोड डाल के भी दिखाऊंगा, उसकी आवाज़ भी चेक कराऊंगा, तो वीडियो का अंत जरूर दिखेगा। 6 पहिए का हैवी ड्यूटी बेस लगा दिया गया है। ये 60 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक लगा है, डबल क्लैंप के साथ में दोस्तों, देख सकते हैं। इसका फ्यूल इनलेट है, जहाँ से डीजल डाला जाएगा। ये एयर कॉक लगा है, जहाँ से हवा निकलेगी। ये इसका फ्यूल गेज है, जो बताएगा टंकी में कितना डीजल है दोस्तों, आप आसानी से देख पाएंगे। पूरा शोरूम कंडीशन में जनरेटर रेडी हो गया है, हैवी ड्यूटी हम लोगों ने साइलेंसर लगाया इंडस्ट्रियल, तो काफ़ी आवाज़ को कंट्रोल करता है। ये इसका बैटरी का स्टैंड है, बैटरी रखी हुई है। ये हैवी ड्यूटी बैटरी की डीडे लगाई है हम लोगों ने, सेल्फ लगा हुआ है, जिसकी पूरी सर्विसिंग की जाती है। सारे बुश वगैरह नए डलते हैं दोस्तों, हैवी ड्यूटी वायरिंग लगी हुई है इसके अंदर, देख सकते हैं आप। ये इसका टर्बो है दोस्तों, जिससे इसके इंजन के बीएचपी बढ़ जाते हैं। इस टर्बो का भी पूरा काम किया जाता है, तभी ये टर्बो चलता है दोस्तों। किट वगैरह सब नई डलती है इसके अंदर, सारे ब्रांड न्यू आपको ईपीडीएम के हैवी ड्यूटी हॉर्स पाइप मिलेंगे। ये चार्जिंग ऑल्टरनेटर, इसकी भी सर्विसिंग कराई जाती है। सारे बुश हो गए, कार्बन हो गए, सब नए डलते हैं। इधर भी रेडिएटर की प्रॉपर सपोर्ट बनाई है हमने, देख सकते हैं। बहुत ही धमाकेदार जनरेटर ये रेडी हो चुका है दोस्तों। बहुत से लोग दोस्तों यूपी में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, जो हमारी कॉपी कर रहे हैं, तो ऐसे नक्कालों से बचे, केवल स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना ऑर्डर बुक कराएं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जनरेटर को। और यहाँ सेल में जनरेटर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल जीरो वाइब्रेशन है और बिल्कुल जीरो स्मोक है दोस्तों। बिल्कुल एक आवाज़ में इंजन चल रहा है। पानी का गिलास रख देंगे तो भी पता नहीं चलेगा दोस्तों। सारे पैरामीटर आप इस मीटर में देख सकते हैं, 231 वोल्टेज है, 51.5 के आसपास फ्रिक्वेंसी है। डीजी ऑन की लाइट जल चुकी है, सारे मीटर में भी लाइट जल चुकी है दोस्तों। बिल्कुल शोरूम कंडीशन में जेंसिटी रेडी हो चुका है दोस्तों। अब एमसीबी ऑन करते हैं और आपके लोड डाल के दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं एमसीबी ऑन कर दी गई है, डीजी लोड ऑन की लाइट जल चुकी है, बीच में एम्पियर आ गया। देख सकते हैं 60 एम्पियर लोड चल रहा है, 50 फ्रिक्वेंसी है, 233 वोल्टेज है, बिल्कुल भी इंजन नहीं दब रहा दोस्तों। और देख सकते हैं इसे कहते हैं क्वालिटी, इसे कहते हैं काम, बिल्कुल एक नंबर का जेंसर चल रहा है दोस्तों। ना कोई वाइब्रेशन है, ना कोई फालतू नॉइज़ है, ना किसी टाइप का कोई धुआं है। देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन जनरेटर रेडी हो चुका है दोस्तों। सूरजपुर छत्तीसगढ़ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है ये, विजय इलेक्ट्रिकल के पास। देख सकते हैं जीरो वाइब्रेशन मिलेगी आपको, किसी टाइप का कोई धुआं नहीं है। बहुत ही बेहतरीन जनरेटर रेडी हो चुका है दोस्तों। इस तरह का जनरेटर मंगाने के लिए आप भी जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, और केवल दिल्ली में ही हमारी ब्रांच है और कहीं भी हमारी ब्रांच है, तो केवल स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर करें। नक्कालों से सावधान रहें। देख सकते हैं दोस्तों एक नंबर जनरेटर चल रहा है। अब एमसीबी को डाउन करके लोड हटा दिया जाएगा इस पर से, लोड हटा दिया गया दोस्तों। अब स्टॉपर से खींचेंगे जनरेटर, ये बंद हो जाएगा। जनरेटर ये बंद हो चुका है दोस्तों। डिलीवरी के बिल्कुल तैयार है दोस्तों, पैनल को ऑफ कर देंगे। अब अच्छी तरह से गत्ते से साफ सफाई करके पैक करके इधर टीसीए ट्रांसपोर्ट के द्वारा सूरजपुर छत्तीसगढ़ के लिए रवाना करेंगे दोस्तों। ये पूरा जैसेट पैक हो चुका है दोस्तों, अच्छी तरह गत्ता वगैरह लगा के हमने पैक कर दिया है। तो आप भी दोस्तों देर ना करें, ऐसे धमाकेदार जनरेटर मंगाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जल्द से जल्द ऑर्डर बुक कराएं, ताकि आप भी ऐसे धमाकेदार जनरेटर को अपने काम में लगाकर अपने काम के अंदर चार चांद लगा सकें। पूरा जेंसेट अच्छी तरह पैक हो गया है, डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में लोड कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जिनेंद्र।